नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क जब 2023 का नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम पे नोटिफिकेशन का एक डिटेल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके फाइनल मार्क्स काउंट होंगे तो जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर जनरल कैटेगरी का मैं कहूँ तो मिनिमम 35% यानी कम से कम 70 नंबर आपको ज़रूर चाहिए, और अदर कैटेगरीज का कम से कम 30% यानी 60 नंबर जो है वो कम से कम ज़रूर चाहिए आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। जब 2023 का फाइनल रिजल्ट आया था, उसके बाद जिन बच्चों का जो है वो सिलेक्शन पहले रिजल्ट में नहीं आ पाया था, वो लोग वेटिंग लिस्ट में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स है जब हम वेटिंग लिस्ट में देखें तो वो 70 से कम भी अगर रहेगा तब भी हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और जो अदर कैटेगरीज के बच्चे थे वो भी ये थॉट कर रहे थे कि यार अगर 60 से कम, मान लीजिए मेरा 57 है, 56 है, 58 है, तो मेरे भी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, ऐसा इनका थॉट था। अभी क्या हुआ है, एसबीआई क्लर्क की पहली वेटिंग लिस्ट जो है वो 25 तारीख को आउट हुई थी और अभी 28 तारीख को एसबीआई क्लर्क का वेटिंग लिस्ट का स्कोर कार्ड यहाँ पर लॉन्च हुआ है, और जिसके अकॉर्डिंग अगर हम डेटा को देखेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं कि एसबीआई ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन था हम वैसा ही देख पा रहे हैं, यानी जनरल कैटेगरी का मिनिमम 35% एज इट इज सेम है, मिनिमम 70 पे ही जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है, और अदर कैटेगरीज का भी मिनिमम 60 नंबर के लिए शॉर्टलिस्ट यहां पे किया गया है। तो ये उन बच्चों के लिए लर्निंग है जो 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आपको ये समझना होगा कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 35% मार्क्स की आवश्यकता होगी जनरल कैटेगरीज के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए कम से कम 30% मार्क्स की आवश्यकता यहां पे होगी। वो सारे बच्चे जिनका 2023 का ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके जो है वो ओवरऑल मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स में जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो सारे बच्चे जो अभी बिगनिंग लेवल पे 2024 को फोकस कर रहे हैं, 2025 को फोकस कर रहे हैं, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, और अगर आपको इन सारे डेटा को क्लियर रखना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी तैयारी अभी से जो है वो बेहतर हो। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूं और बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक आसान हो जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पजल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, इसलिए आपको कम से कम जो है वो 20 नंबर का जो ये पजल है इसमें आपके मार्क्स अच्छे खासे गेन होने चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। पजल के लिए मैं डेली 12 बजे जो है वो टॉपिक वाइज सेशन ले रहा हूं पजल का, और 10 बजे मिसलेनियस के टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ जो है वो सेम चैनल पे सुबह 10 बजे और 12 बजे फॉलो करके रीजनिंग को बेसिक से जो है वो एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक्स देने हैं, टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो आपका लेवल और इंक्रीज होगा। इसके अलावा एक्यूरेसी पे आपको काफी फोकस करना है, स्पीड मैटर करती है लेकिन ये मेक श्योर करें कि आपके आंसर्स भी सही होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एसबीआई पीओ यूआईसी एओ दे रहे हैं तो वहां पे हो सकता है स्पीड काम ना आए लेकिन एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, तो जो भी क्वेश्चन आप करेंगे लगभग लगभग आपके सही होने चाहिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमेशा चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हमेशा आप मिसलेनियस पैटर्न से ऑलवेज स्टार्ट करें, राइट? ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो पजल से शुरुआत ना करके पहले सिलॉग इनइक्वालिटी अल्फाबेटिकल सीरीज कर लीजिए, इसके बाद आप हमेशा पजल पे जाएं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका एक लेवल अप हो चुका है, मतलब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, तो आपको डेली एक मॉक तो देना ही देना है। मान लीजिए आप एक मॉक नहीं दे पा रहे हैं तो ऑल्टरनेट एक मॉक तो आपको देना ही देना है, इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करें। अगर आप अभी मीडियम लेवल पे हैं जहां पे आपके टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं तो शेड्यूल बनाइए कि हफ्ते में आपको दो मॉक तो एनी हाउ देने हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप जो है वो बैंकिंग को फोकस कर रहे हैं, इंश्योरेंस को फोकस कर रहे हैं, तो आपके लिए मैथ्स का स्पीड मैथ्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आएगी बल्कि आपके मेंस में भी काम आएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है जिनको आपको नोट डाउन करके रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन सामने है, यूआईसी एओ ऑलरेडी हमारे पास है, एनआईसीएल असिस्टेंट भी आ गया है, इसके अलावा हमें मालूम है कि नाबार्ड का भी नोटिफिकेशन है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने इन सभी के पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च कर दिए हैं, जो आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेवी, नाबार्ड, आरबीआई, जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे उसके जो भी बैच
बैचेस लॉन्च होंगे वो सारे बैचेस हम आपको बैंक महापैक में फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं। दिवाली का स्पेशल ऑफर है जहां पे आपको 2199 रुपए में ये सारे बैचेस का एक्सेस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और मैं आपको बहुत क्लियर करूं, ये बहुत नॉमिनल फीस है जिसके द्वारा आप सभी बैचेस का एक्सेस यहां पे ले सकते हैं। तो आज के आज इसको जरूर अवेल करें और अपनी स्टडी बिल्कुल स्क्रैच बिल्कुल बेसिक से जो है वो करना स्टार्ट करें, ठीक है। SBI क्लर्क 2023 वाले बच्चे मुझे अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी आपको होती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।